कैरोट कबड्डी जो है छह घर से शुरू किए थे, हर कांटे में बढ़ते गया है और जब ये 30 फंदा का हो गया तब हम बंद कर दिए बनाना। अब ये हम दो कांटा सीधा उल्टा बिनेंगे तब हम पैरोट का ये गले पर जो स्ट्रिप है वो कलर चेंज करके रेड कलर डालेंगे, इसमें भी दो कांटा बनेगा। उसके बाद पैरोट का सिर जो मुड़ा हुआ है वैसे बनाते हुए हम इसका चोंच बनाएंगे। हम ये अब दो कांटा बनाते हैं उल्टा सीधा। ये हुआ एक कांटा, फिर हम एक कांटा और बनाएंगे। ये अब हम रेड कलर का हम जोड़ेंगे। हम रेड कलर से अब दो कांटा बनाएंगे, पैरोट के जो गला पर स्ट्रिप होता है उससे बनेगा। ये एक लाइन हो गया, पैरोट का ये स्ट्रिप हो गया। अब हम इसका हेड बनाने जा रहे हैं। तब एक लाइन ही हरा रंग से शुरू कर दिए, बुन दिए और ये हम एक एक करके फंदा उतारेंगे। जो पैरोट का सिर जो बनेगा वो टेढ़ा होगा, गर्दन जो अति होता है एक उतार देते हैं और फिर हम आगे बिनते हैं ऐसे ही। फिर उस तरफ से भी पूरा ही एक लाइन हो जाता है, तब हम फिर इस तरफ आ जाते हैं। पीछे की तरफ से भी हर फंदे में एक एक घर उतरेगा जो पैरोट का सिर बनेगा। ऐसे करके बुनते हुए हम आते हैं और एक घर दूसरे धागे पर हम उतार लेते हैं या सेफ्टी पिन पर उतार सकते हैं। हम सहूलियत के लिए धागा लिए कि दूसरे कलर रहने पर दिखेगा ये। फिर हम इधर एक घर जो है किनारे का ये दूसरे इस पर उतार लेते हैं बिना बुने, और इसको हम बिना बुने ही रहने देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऐसे करके, ये रह जाता है। हम आगे बढ़ते हैं फिर ये उल्टा की तरफ से बुनते हैं ऐसे करके। बनाते बनाते हम दोनों तरफ से 10-10 घर जब ये ऊन पर उतार लेते हैं तब पैरोट का बीच में जो बचता है 10-10-20 हो गया, अब बीच में 10 घर बचेगा उसको हम सिर के लिए छोड़ देंगे। तब हम फिर उसको बनाते हुए हर कांटे में जितना 10-10 घर जो उतारे हैं उसको एक एक घर उठाते हुए बुनेंगे, तब ये चोंच के लिए टेढ़ा हो जाएगा। ये फिर हम एक घर उतारेंगे, यहाँ पर ऐसे उतार दिए फिर हम बुनेंगे। इसी तरह हमको 10 घर उतारना है। देखिए ऐसे ये एक एक घर करके हम 10-10 घर इधर हर कांटे में घटाते गए हैं दोनों तरफ से, और इसी ये जितना घर घटाए हैं उतना हम अब एक एक करके चढ़ाते हुए फंदा को बुनते जाएंगे। जैसे इसको बुने और यहाँ इस तरफ जब आएंगे तब इस तरफ के फंदे को चढ़ा लेंगे और बुन देंगे, और उस तरफ जाएंगे तो इस तरफ के फंदे को बुन देंगे। ऐसे करके इसको उठाएंगे, अभी जो घटाए थे इसको बुन देंगे, आइए धागा को निकाल देंगे।
इसको बिनेंगे, फिर हम इस तरफ से उल्टा बिनेंगे, फिर इधर आएंगे तो इसमें से एक फंदा को लेकर चढ़ा कर बुनेंगे। ऐसे करते हुए जितना घर हम घटाए हैं उतना को चढ़ाकर बुन देंगे, तो ये पैरोट का सिर बन जाएगा। ऐसे बुनते हुए हम इसको उठाएंगे, फिर इसको फंदा को उठाकर हम बुन देंगे। ये उनको निकाल देंगे क्योंकि ये फंदा कांटे पर आ गया। ऐसे करके फिर इस तरफ आएंगे, सीधा बुनेंगे। ऐसे करके ये जो पैरोट का सिर है, ये जो तिरछा बना है और ये उठाते हुए बीनते गए हैं, तो ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे ही मुड़ जाएगा। बनाएंगे, बहुत ही आसान है, आप ये बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको उठाएंगे, यहाँ जो है और ये ऊन को हम निकाल देंगे। हर कांटे में एक अगर ऐसे ये मुड़ते जाएगा। सिर का भाग जो है, यहाँ पर 30 फंदा जो बना था वो हम जैसे जैसे घटाते हुए पूरा फंदा उतारे हैं, 10 घर इधर से 10 घर इधर से, उसके बाद यहाँ 10 घर छोड़कर हम फिर उठाते हुए बुने हैं ये, तो ऐसा ये टेढ़ा हो गया है। फिर हम देखिए ये अब जो लास्ट बचा है इसको हम उठाकर ऐसे बिन देंगे और ऊन को निकाल देंगे इसको। फिर हम ऐसे हो गया, ये तोता का सिर तैयार हो गया। अब ऐसा सिर बन गया, अब इस चोंच को बनाना है। अब ये जितना फंदा इस पर है हम इसको डबल डबल करके, ग्रीन का काम हो गया, अब रेड कलर से चोंच बनाएंगे। तब रेड कलर से हर कांटा में हर फंदा दो दो करके बीनेंगे, कम फंदा हो जाए, क्योंकि चोंच को पतला सा नुकीला बनाना है, तो फंदा कम रहेगा तभी बन पाएगा। ऐसे डबल डबल करके रेड कलर से हम बीनेंगे, ऐसे डबल डबल बनते हुए एक बचा कर लेंगे। फिर हम इसको सीधा बिन जाएंगे और कहीं कहीं डबल कर देंगे, क्योंकि करना है। फिर हम इधर से उल्टा बिनेंगे, ऐसे उल्टा सीधा करके हम 5 लाइन बिनेंगे, चोंच तैयार हो जाएगा। अभी हमारा 5 लाइन बन गया। अभी 11 फंदा बचा है, अब इसको हम बंद कर देंगे बारी बारी से, बंद करके ऐसे करके बंद करते हुए हम एंड करेंगे इसको, और सिलाई करेंगे चोंच को। ये देखिए हमारा इस करके बांध देंगे, इसमें हम रुई भरेंगे, यहाँ पर आँख बनाएंगे,
उसको सिलाई करेंगे गला को, उसमें रुई भरेंगे। अब ये रुई भर दिए इसमें तोता में, और इसको हम इसमें तार लगा दिए पैर बनाने के लिए, और ये सिलाई कर रहे हैं। उसके बाद क्रोशिया से पूंछ बनेगा, ऐसे करके हम एक एक घर को पकड़ पकड़ के सिलाई करते जाएंगे। इसे सिलाई ऐसा कीजिए कि इसका फर जो है पकड़ाए नहीं, और ढीला हाथ से सिलाई करना है, क्योंकि ये खिंचा जाने पर खुल भी सकता है। ऐसे करके सिलाई करेंगे हम, ऐसे सिलाई होगा इसका फर नहीं पकड़ा पाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हटाते हुए सिलाई के लिए और इसको बांध देंगे। अब इसके पैर के पास तक हम सिलाई कर देंगे, और इसके पैर लाल रंग के ऊन से बनाएंगे। ऐसे तार हमने लगा दिया है क्योंकि बैलेंस होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तो कुछ तो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऊन से तो नहीं बन पाएगा। करके हम सिलाई कर दिए और निकाल दिया उनको। और इसमें हम ये जो है अब इसमें पूंछ क्रोशिया से बनेंगे, और इसमें लाल रंग का हम धागा लपेटेंगे। अब हम पेट तैयार हो गया इसका, अब हम पंख बनाएंगे, इसको हम क्रोशिया से बिन देंगे। क्रोशिया से बिनने पर ये आराम से बनाया जाता है, और होता है क्योंकि कांटा से उतना सही नहीं होगा, इसे क्रोशिया से बिनेंगे। अब ऊपर में पतला होता है, एक दो बीच में घर बढ़ाते जाएंगे, मैंने ट्रेबल बढ़ा देंगे तो नीचे का पर्सन चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि फैला हुआ पंख होता है नीचे की तरफ, ऊपर में सिकुड़ा हुआ होता है, इसलिए कम ठंडा कर देंगे। इस करके हम अंडा बढ़ाते हुए देंगे। अंडा लेकर ही ट्रेवल बनता है, क्योंकि लंबा लंबा ट्रेवल चाहिए इसमें। कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही बड़ा उतना ही लाइन बनाइए, देख लीजिए हिसाब से अपना कितना लंबा आपको पूंछ बनाना है, एक पंख बनाना है, उस अनुसार आप ट्रेवल बना दीजिए। हम तोता का पंख बना रहे थे, एक क्रोशिया से बनाए तो ये बन गया पंख, और ये तार लपेटे थे पैर में, इसमें लाल ऊन लपेट दिए, क्योंकि तोता का पैर लाल होता है, और ये चोंच बन गया, और ये आँख नहीं बना था तो हमने आँख ऊपर से बना दिया है, और ये आपका तोता तैयार हो गया।